हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन। बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि प्लीज सर, आगे के टॉपिक डालने के पहले आप एक वीडियो बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जरूर अपलोड करें, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को बेसिक डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम्स होती है। तो आज गाइस, उन्हीं लोगों के लिए और सभी के लिए जिसको आता भी है, वो लोग भी इसको जरूर देखें, उन्हें कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। क्लियर है गाइस? चलिए टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है गाइस कि आप लोग प्लीज, जितने भी लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक और रिक्वेस्ट है गाइस, डिस्क्रिप्शन में जो पीजी गेमर नाम से लिंक प्रोवाइड की जा रही है, वो उस बंदे की लिंक है जो मेरे वीडियो को अपलोड करने में और एडिट करने में बहुत हेल्प करता है। इस वजह से गाइस, आप लोग प्लीज उस लिंक को ओपन करके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए गाइस, देखते हैं आज का टॉपिक, अपन स्टार्ट करते हैं। आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जिसे डिफरेंशिएशन आता होगा, बट फिर भी यदि मैं क्लास में या पढ़ाते वक्त जब भी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करता हूं कि कितने लोगों को डिफरेंशिएशन आता है, 90% लोग बोलते हैं सर आता है। फिर जब मेरा अगला क्वेश्चन होता है कि आप डिफरेंशिएशन के फार्मूले बताइए, तो उसमें से 5 या 10% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ये मैंने बहुत ज्यादा बोला है, ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो फार्मूलों को बता पाते हैं, वो भी एक सिक्वेंस में नहीं, बस हिट एंड ट्राई, कुछ कुछ फार्मूले और कुछ नहीं बता पाते हैं। क्लियर? और 30 से 40%, ये बहुत बड़ी रेंज होती है। इस रेंज में स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए कि किस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पूछना है, देन मैं आंसर बताऊंगा। मींस यदि उन्हें मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूं देन वो मुझे आंसर बता सकते हैं, लेकिन मैथ्स हमेशा याद रखिएगा गाइस, कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है। आप लोगों को हमेशा मैथ्स के फार्मूले याद करने के लिए बोला गया है। मैं कहता हूं आप इनको रटिए मत, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये कौन से फंक्शंस हैं जिनका डिफरेंशिएशन मुझे पता होना चाहिए, कौन से फंक्शंस हैं जिनके फार्मूले मुझे याद होने चाहिए। क्लियर है गाइस? चलिए आज आप लोग इस बेसिक्स डिफरेंशिएशन के वीडियो को देखिएगा और मुझे फीडबैक कमेंट में लिखकर बताइएगा। आई होप सभी का आज डिफरेंशिएशन में जो भी डाउट होगा वो आज क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही मैंने कहा बेसिक डिफरेंशिएशन, तो आप ये मत कहिए सर साइन का कॉस होता है, कॉस का ये होता है, नथिंग। ये बहुत सिंपल है, ये सभी को आता है कि साइन कॉस टेन होता है। सबसे पहले आप दिमाग में ये लाइए कि मुझे जिन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए वो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। उसके लिए जितनों की मुझे जरूरत होती है, फंक्शंस बहुत होते हैं, बट डिफरेंशिएशन के जिन फंक्शंस की मुझे बेसिक्स नीड्स है इंजीनियरिंग में, उसमें जनरली 4 फंक्शंस की जरूरत पड़ती है गाइस। फर्स्ट वन इज एलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, थर्ड वन इज लॉगरिथमिक फंक्शन, फोर्थ वन इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। मतलब ये 4 टाइप के फंक्शंस हैं जिनके बेसिक डिफरेंशिएशन के फार्मूले मुझे पता होने चाहिए गाइस। चलिए अब देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन। एलजेब्रिक फंक्शन का क्या मतलब होता है गाइस? जो फंक्शन एक्स के फॉर्म में लिखा हो। एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब होता है गाइस? ई की पावर में लिखा हो। लॉगरिथमिक का मतलब ऐसा फंक्शंस जिसमें लॉग लगा हुआ हो। ट्रिग्नोमेट्रिकल आप सभी लोग जानते हैं गाइस, 6 फंक्शंस होते हैं इसके, साइन कॉस टेन सेक कॉट एंड कॉसिक। क्लियर है? चलिए गाइस अब अपन लोग इनको स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि मैं आपसे कहूं वाई एक्स का फंक्शन है, वाई कोई वेरिएबल है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स का, मीन्स वाई एक्स का फंक्शन है, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाई। यदि वाई एक्स का फंक्शन है तो वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएट करना है तो गाइज इसे लिखा जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है? चलिए अब हम आपको इन फार्मूलों को स्टार्ट करते हैं। पहला था एलजेब्रिक। एलजेब्रिक में 3 पार्ट आएंगे, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है गाइज 0। देखिए मैंने कहीं भी डी अपॉन डी एक्स नहीं लिखा है, वो मैंने ऊपर आपको डिनोट करके बता दिया है गाइज। अब मैं नीचे सिर्फ फंक्शंस लिखूंगा और इन फंक्शंस का कन्वर्जन आपको आना चाहिए, बस डिफरेंशिएशन इज नथिंग। पूरे मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन एक ऐसा पार्ट है जो सबसे आसान होता है, इसे समझना बहुत इजी है।
आप मेरा ये 15 से 20 मिनट का वीडियो देखिएगा, इसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि डिफरेंशिएशन कितना आसान होता है। आप लोगों ने अभी तक जिस तरीके से डिफरेंशिएशन पढ़ा है, कैसे पढ़ा है मुझे नहीं पता, बट आज आप पढ़िए, आपको आई श्योर कि आपको ये पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से पढ़ा जाता है और इसको यूज कैसे किया जाता है। क्लियर है गाइस? चलिए सिर्फ बेसिक फार्मूले याद करने हैं आपको। देखिए कांस्टेंट का क्या होता है गाइस, जीरो, एक्स का वन, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स की पावर एन, लेकिन मैं कहीं भी ऐसे फार्मूले नहीं लिखूंगा। क्लियर है? मैं उसे अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा जो उसका फंक्शंस होता है। आपको हमेशा याद होना चाहिए एक्स की पावर, एन नहीं बोला मैंने, क्या बोला है गाइस, एक्स की पावर। और एक्स की पावर का डिफरेंशिएशन होता है गाइस, पावर बाहर आ जाती है और एक पावर माइनस हो जाती है। मतलब यदि मैं आपसे कहूं एक्स की पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखिए एक्स की पावर 10 मतलब 10 बाहर आएगा, एक कम का मतलब 9 हो जाएगा। मतलब मैं डायरेक्ट बोलूंगा गाइस 10x9। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ई की पावर, पावर में देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा गाइस ई की पावर एक्स, मैं कहीं भी एक्स नहीं लिखूंगा। यही अंतर है आपने जो पढ़ा है और आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं। आपने अभी तक जो पढ़ा है उससे आपको कितना आता है वो आपको पता होगा। आज मैं इसे कैसे पढ़ाना चाहता हूं ये आपको याद रखना है, और ये जो मैं बेसिक्स यहां लिख रहा हूं इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इतना यदि आपको समझ में आ गया गाइस आज के वीडियो में, तो आप समझ लीजिएगा कि बेसिक डिफरेंशिएशन आज से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलिए देखिए ई की पावर एक्स, आपकी आदत होगी गाइस, लेकिन अब ये एक्स कहना भूल जाइए, हमेशा फंक्शंस को रीड कीजिए। यहां एक्स की पावर बोला मैंने, अगला फंक्शन बोला है मैंने गाइस ई की पावर, और ई की पावर का डिफरेंशिएशन होता है गाइस ई की पावर। समझ में आया गाइस? ई की पावर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर। नेक्स्ट लॉग, आपने पढ़ा होगा लॉग एक्स, क्या पढ़ा होगा गाइस, लॉग एक्स, लेकिन अब क्या रीड करना है, सिर्फ लॉग। लॉग के बाद कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, बस लॉग। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है गाइस वन अपॉन, मींस लॉग के बाद जो कुछ भी लिखा होगा वो सब कुछ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा ये 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कॉसेक्स। देखिए गाइस मैंने किसी का एंगल नहीं लिखा, लिखा है क्या, नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है ये आपको सब समझ में आ जाएगा गाइस। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से आप पढ़ लीजिए जो ऊपर एनओटी नोट करके लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा है, एंगल नेवर चेंज। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि यहां जो कुछ भी एंगल में होगा वो एज इट इज यहां पर आएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता, इस वजह से मैंने एक्स यूज नहीं किया है। अब वहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है गाइस, आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टेन, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट। क्लियर है गाइस? ये 6 फंक्शन, इसमें याद क्या रखना है, पहला तो ये कन्वर्जन, दूसरा गाइस ये सीक्वेंस, ये याद होना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं कभी भी क्लास में पूछता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन बताइए, तो कोई बोलता है सर साइन, फिर बोलता है कॉस, फिर याद करेगा टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। क्लियर है? तो ये सीक्वेंस सही नहीं है, इस वजह से आप लोग फार्मूले मिस कर जाते हो और एक दूसरे में मर्ज कर देते हो। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस आपका प्रॉपर नहीं है। हमेशा याद रखिएगा गाइस, ये मैंने सीक्वेंस वाइज फार्मूले लिखे, ऐसे लिखे सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को हमेशा याद रखना। यदि आपसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल का फार्मूला बोले तो आप बोलना साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कॉसेक। कभी भी फार्मूले एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगे। कैसे? सुनिए, साइन और कॉस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं गाइस। देखिए साइन का कॉस, कॉस का साइन। क्लियर? टेन और सेक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मतलब टेन के डिफरेंशिएशन में सेक आएगा और सेक के डिफरेंशिएशन में टेन आएगा, इसलिए मैंने इनको एक साथ रखा है। देखिए यहां पर टेन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टेन। नेक्स्ट कॉट और कॉसिक को मैंने एक साथ रखा है गाइस। क्यों रखा है? क्योंकि कॉट में कॉसिक यूज होगा और कॉसिक में कॉट यूज होगा। देखिए हो रहा है गाइस, इस वजह से यदि ये सिक्वेंस याद है तो इतना श्योर है, यदि आपको ये पता है टेन सेक एक साथ होते हैं और यदि कोई कहे सेक का डिफरेंशिएशन क्या है, तो नो डाउट आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, सेक में 10 यूज होगा, बस इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप गलत करने की संभावना है 90% तक रिड्यूस कर चुके होंगे।
बात समझ में आ रही है गाइस। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा 5-10 मिनट ज्यादा हो जाए, बिकॉज ये बेसिक्स है और इसको मैं बहुत आराम से एक्सप्लेन करूंगा। कई स्टूडेंटों ने मेरे पास इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी किया है कि सर आप वीडियो को कितना भी बड़ा हो जाए उसकी प्रॉब्लम मत, चिंता मत कीजिएगा, आप उसी तरह से पढ़ाइए जैसे आप बोर्ड पर पढ़ाते हैं, क्योंकि वो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है सभी को। इस वजह से गाइस इसमें मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि मैं जिस तरीके से बोर्ड पर एक्सप्लेन करता हूं उसी हिसाब से एक्सप्लेन करूं, अदरवाइज वीडियो को छोटा करने के लिए मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। हो सकता है जिसे आता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं गाइस, बट जिसका मैथ थोड़ा वीक है उसे प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से मैं अब सारे वीडियो हो सकता है 5-10 मिनट थोड़े बड़े हों, बट कंटेंट पूरा दूंगा। क्लियर है? चलिए गाइस देखिए, आप लोगों को पता होगा गाइस ट्रिग्नोमेट्रिकल में 6 डायरेक्ट फंक्शंस होते हैं और 6 इनवर्स फंक्शंस भी होते हैं। दोनों का सीक्वेंस अलग अलग है गाइस, ध्यान दीजिएगा। इसमें साइन कॉस, टेन से कॉट कॉसेक चलता है, बट इसमें साइन कॉस और यहां देखिए गाइस चेंज हो गया, टेन कॉट, यहां क्या था टेन और सेक, बट यहां क्या था टेन और कॉट, यहां था कॉट कॉसेक, बट यहां क्या है गाइस सेक एंड कॉसेक इनवर्स। यही छोटी छोटी सी चीजें होती हैं मैथ्स में, जिनको यदि अपन दिमाग में रखें तो कभी भी मैथ्स के फार्मूले ना तो भूलते हैं और ना ही कभी एक दूसरे में मिक्स होते हैं। मिक्स कब होते हैं? जब उनका सीक्वेंस पता नहीं होता है गाइस। भूलते कब है? जब हम उनको रटने की कोशिश करते हैं। इस वजह से अब देखिए गाइस, यदि मुझे साइन इनवर्स का पता हो, 1/√1 − x², कॉस इनवर्स इज नथिंग, सिर्फ माइनस यूज होगा, क्या यूज होगा माइनस। टेन इनवर्स का होता है गाइस 1/√1 + x². कॉट इनवर्स में सिर्फ माइनस। यदि सीक्वेंस याद है तो सिर्फ 3 फार्मूले याद कीजिए, साइन, टेन, सेक, और सीक्वेंस अगर पता है तो कॉस अपने आप आ जाएगा, टेन का कॉट अपने आप आ जाएगा, सेक का कॉसेक अपने पास आ जाएगा, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस चलता है। क्लियर है गाइस? ये थे बेसिक डिफरेंशिएशन के कुछ इंडिविजुअल फार्मूले। आपको सिर्फ मैं फिर से रिपीट करूंगा गाइस, कन्वर्जन याद होना चाहिए। लॉग का 1/√ होता है, ए की पावर का ए की पावर होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, बस इतना याद होना चाहिए। और एक लाइन याद होनी चाहिए, एंगल नेबर चेंज, इसका मैं बहुत यूज करूंगा अपने डिफरेंशिएशन पढ़ाने में, मैं इस लाइन का बहुत यूज करता हूं, एंगल नेबर चेंज। क्लियर है गाइस? चलिए अब आप ध्यान से सोचिए गाइस, ये जितने भी फंक्शंस मैंने अभी यहां बस इतने ही होते हैं गाइस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होते हैं। ये जितने भी फंक्शंस मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, ये सारे फंक्शंस गाइस इंडिविजुअल लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं? इंडिविजुअल। लेकिन हो सकता है e की पावर का फंक्शन 10 वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए, पॉसिबल है या नहीं? और हो सकता है साइन वाला फंक्शन कॉसिक वाले फंक्शन या कॉट या e की पावर के साथ डिविजन में भी आ सकता है, आ सकता है या नहीं? तो अब ये डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी बनती है। बेसिक इतना ही है जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया। अब जो कुछ भी होगा, मतलब यदि ये फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आएंगे या डिवीजन में आएंगे, तो वो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। और वो दो फार्मूले अपन को एडिशनली और पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज जब फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आए। कैसे आए गाइस? मल्टीप्लिकेशन में, तो एक कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फार्मूला और दूसरा जब फंक्शंस डिवीजन में आए तो वो कहलाता है डिवीजन फार्मूला। क्लियर है गाइस? चलिए अब आप ध्यान कीजिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन में यू इंटू वी और डिवीजन में पढ़ा होगा यू अपॉन वी। मैं दोनों ही फार्मूलों में ना तो यू यूज करूंगा ना ही वी यूज करूंगा। मेरे पढ़ाने का पैटर्न बहुत डिफरेंट है गाइस। जितने लोग मुझसे जानते हैं वो सबको पता है कि मैं मैथ्स को कोशिश करता हूं अपनी भाषा में पढ़ाने की, मैं पूरे मैथ्स को हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। चलिए गाइस देखते हैं, यदि फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में लिखे हूं तो याद कीजिएगा गाइस कैसे लिखा होगा। पहले कोई फंक्शन लिखा होगा, फिर बाद में कोई लिखा होगा, तो उसको मैंने बोला फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसका फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड वाला एज इट इज, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। यदि आपको गाइस इस तरीके से याद है, मैं श्योरली 100% ये कह सकता हूं आप किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन गलत नहीं करेंगे। बट यदि आपको यूवी में याद है, हो सकता है 1% संभावना रहेगी कि हो सकता है उसमें गलती हो जाए। इस वजह से हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड वाला एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर है गाइस? डिवीजन का देखिए, ऊपर और नीचे, डिवीजन में क्या होगा, एक ऊपर लिखा होगा और एक नीचे। इसको कैसे याद करना है?
नीचे वाला एज इट इज सेम पैटर्न चलता है, फर्स्ट एज इट इज तो सेकंड का, फिर सेकंड एज इट इज तो फर्स्ट का, अब इसमें चलेगा ऊपर और नीचे। यदि नीचे वाला एज इट इज होगा तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, फिर ऊपर वाला एज इट इज होगा तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा। तो पढ़ लीजिए गाइस, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और फिर होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। अब देखिए कभी कभी गाइस जिनका मैथ्स वीक है, जिनका स्ट्रांग है उसके लिए मैं बात नहीं करता, बट जिनका वीक है और मेरी कोशिश भी यही रहती है जिसका वीक है उसका स्ट्रांग करवाया जाए। कभी कभी गाइस स्टूडेंट्स प्लस और माइनस में दिक्कत पैदा कर देते हैं, कभी यहां प्लस या माइनस में उल्टा सीधा हो जाता है। तो देखिए इसको भी याद करने का एक तरीका है कि इसको कैसे समझा जा सकता है। आप मुझे बताइए, माइनस में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आती है और डिवीजन में भी देखिए क्या लगा हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है ये जो साइन है ये माइनस लाएगा। बात समझ में आई? अब ऊपर आइए, प्लस में कितनी डंडी चाहिए, एक और दो चाहिए, यानी मल्टीप्लीकेशन में देखिए कितनी होती है, एक और दो। अगर यहां दो है तो वो प्लस बनाएंगी, ये एक माइनस को इंडिकेट करेगी तो यहां माइनस बनेगा। ये प्लस और माइनस याद करने का तरीका उन लोगों के लिए जिनका मैथ्स वीक है। क्लियर है गाइस? चलिए, ये मैंने सारे डिफरेंशिएशन का आपको बता दिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं नीचे, जिसे आता है, जिसे मैथ्स आता है वो इन क्वेश्चंस को इधर वाला पार्ट देखे बिना इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और ये देखिएगा कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया। क्लियर है? और जिसे नहीं आता उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इनको कैसे समझना है। क्लियर है गाइस? चलिए देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ log tan a की पावर एक्स क्यू। मैं कह रहा हूं इसे एक लाइन में डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके अपन को बताना है। क्लियर है गाइस? चलिए, कैसे होगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस में बेसिक्स से बताऊंगा, जो मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए हुए। अब मैं यहां पर सिखाऊंगा गाइस कि बेसिक्स को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, बेसिक्स फार्मूलों को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। एक मिनट गाइस, देखिए अब मैंने ये फार्मूले यहां पर मैं आपको दिखाता जाऊंगा और इसको करता चला जाऊंगा। ठीक है गाइस? देखिए ध्यान से इसको रीड कैसे किया जाता है। यदि मैं आप लोगों से कहता हूं कि इसे रीड करिए तो क्लास में लोग कैसे यूज करते हैं, सर डिफरेंशिएशन ऑफ log tan a की पावर एक्स क्यूब। मैं कहता हूं नहीं, डिफरेंशिएशन को रीड करना ही डिफरेंशिएशन का मेन की पॉइंट है। यदि आपने इसे सही से रीड करना सीख लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने सही से डिफरेंशिएशन करना सीख लिया। यदि आप इसे रीड करना नहीं सीखेंगे तो आप बेसिक्स को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर है गाइस? चलिए देखते हैं। अब देखिएगा मैं कैसे रीड कर रहा हूं। मैंने रीड किया लॉग। क्या रीड किया गाइस मैंने? लॉग। जैसे ही मैंने लॉग पढ़ा आपको ये पता चल जाना चाहिए कि लॉग कोई बेसिक फार्मूला है या नहीं। यदि है तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब देखिए मैं यहां दिखा रहा हूं गाइस, लॉग ये मिला, लॉग बेसिक फार्मूला है और लॉग क्या कहता है, वन अपॉन। बस इतना याद करना है, लॉग क्या कहता है, वन अपॉन। अब देखिए इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। लॉग है, आप लॉग के बाद कुछ भी मत पढ़िए, बस लॉग का यूज कीजिए। लॉग क्या कहता है, वन अपॉन। अपॉन का मतलब लॉग के बाद जो कुछ भी लिखा है गाइस ये सब अपॉन में भेज दीजिए। आ गया? क्लियर है यहां तक? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म मैंने लिखा है ये क्यों लिखा, इस लॉग की वजह से। इसका मतलब लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप लॉग को छिपा लीजिए, ये देखिए गाइस मैंने लॉग को छिपा दिया। क्लियर है? अब आप इसे रीड कीजिए तो आप रीड करोगे tan e की पावर एक्स क्यू, लेकिन ऐसे रीड नहीं किया जाता। मैंने आपसे कहा है डिफरेंशिएशन में आपको इंडिविजुअल एक एक फंक्शंस को रीड करना है और यदि वो बेसिक्स है तो उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है। डिफरेंशिएशन इज नथिंग। देखिए अब मैंने इसको पढ़ूंगा tan, क्या पढ़ूंगा इसको, tan। आप बताइए tan क्या कोई बेसिक होता है? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। tan का कितना होता है गाइस, देखिए मैं फिर से दिखाता हूं आपको, tan का कितना होता है, sec स्क्वायर। कितना होता है, sec स्क्वायर। देखिए tan का मैंने कितना लिखा गाइस, यहां पर ध्यान से देखिए, sec स्क्वायर लिखा। यानी अब मैं एक लाइन रिपीट कर रहा हूं जो मैंने कहा था मैं बहुत यूज करता हूं, एंगल नेवर चेंज। क्या बोला मैंने गाइस, एंगल नेवर चेंज। याद कीजिए गाइस tan का एंगल कितना है, a की पावर एक्स क्यूब। तो tan का जो sec स्क्वायर हुआ है उसका भी एंगल कितना हो जाएगा, a की पावर एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। चलिए ये वाला जो टर्म है वो किसकी वजह से आया गाइस, tan। तो tan भी खत्म हो गया। अब क्या पढ़ोगे इसे, e की पावर एक्स क्यूब। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको रीड किया जाएगा गाइस e की पावर। क्या रीड किया जाएगा, e की पावर। और देखिए आप
e की पावर का बेसिक होता है e की पावर। e की पावर का क्या होता है? e की पावर। तो देखिए e की पावर में क्या लिखा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है e की पावर का क्या होगा गाइस, e की पावर। अब यहां x क्यूब है तो यहां भी क्या लिख दिया मैंने, एक्स क्यूब। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिए ये e की पावर तक का भी काम हो गया, तो अब कितना बचा, एक्स थ्री। आप लोग यही पढ़ेंगे x की पावर 3 या x क्यूब यही पढ़ेंगे, लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ना है गाइस, इसको क्या पढ़ना है हमेशा, किसका बेसिक बनेगा ये, x की पावर। इसका बेसिक बनेगा x की पावर। तो x की पावर का क्या होता है गाइस, पावर बाहर आती है और एक पावर कम होती है, तो इसको लिखा जाएगा x की पावर का पावर बाहर लिया है मतलब 3 और एक कम कर दिए, तो कितना बचा 2। ये किसका काम हो गया गाइस, पावर का। क्या x का हुआ? नहीं। तो x का कितना होता है 1, मैं बता चुका हूं x का कितना होता है 1। इसलिए गाइज ये 1 कभी भी लिखा नहीं जाता, क्यों, 1 के मल्टीप्लिकेशन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है गाइज? देखिए गाइज मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं इसमें, क्यों, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक बार यदि ये समझ में आ गया तो डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी M1 भी रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन M1 में ज्यादा यूज होता है, M2 और M3 में होता है बट बहुत कम, तो उनके लिए भी जरूरी है जिसे M2 M3 में प्रॉब्लम है, अदरवाइज M1 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइस? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्या लिखा हुआ है गाइस, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की पावर 4। इसको और इसको ध्यान से देखिएगा, सेकेंड एंड थर्ड दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्या है वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। साइन एक्स की पावर 4, इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो मैंने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया। क्या लिखा है गाइस, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है गाइस कॉस, साइन का कितना होता है कॉस, तो मैंने साइन का क्या लिखा कॉस, और फिर मैंने रिपीट किया एंगल नेवर चेंज। साइन का एंगल कितना है गाइस, एक्स की पावर 4, तो ये भी उठ के यहां आ जाएगा क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होता। ये जो कुछ भी आया ये किसका डिफरेंशिएशन आया, साइन का। किसका आया, साइन का। क्या एक्स की पावर का हुआ? नहीं। x की पावर का कितना होता है गाइस, पावर बाहर आती है और एक पावर कम हो जाती है। क्लियर? और फिर अगेन x का कितना होगा 1, जो कभी लिखा नहीं जाता। ठीक है, चलिए गाइस देखिए यहां पर क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां गाइस साइन का जो एंगल था उसमें पावर लगी हुई है, यहां पर फंक्शंस में पावर लगी हुई है, एंगल x है लेकिन फंक्शंस में पावर कितनी है 4। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन x की पावर 4। अगर मैं साइन एक्स की पावर 4 लिखूंगा तो ये एक्स में 4 नहीं आएगा, ये किस में आएगा, साइन में, मींस फंक्शंस में आएगा। क्लियर है? याद रखिएगा गाइस सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, इसी में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा गाइस, दुनिया का कोई भी फंक्शंस लिखा हो यदि उसमें पावर लगी हुई है, क्या लगी हुई है, पावर, तो सबसे पहले पावर को सॉल्व किया जाता है, और वो किसके बेसिक से सॉल्व होता है गाइस, एक्स की पावर से। किससे सॉल्व होता है वो, एक्स की पावर, पावर बाहर आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो देखिए गाइस साइन की पावर कितनी है 4, तो सबसे पहले साइन नहीं आएगा, क्या आएगा, पावर। पावर का डिफरेंशिएशन होता है पावर बाहर आएगी और एक पावर कम होगी, मींस 4 बाहर आएगा और एक कम करेंगे तो कितना आएगा गाइस 3। क्लियर है यहां तक? तो ये जो कुछ भी आया इतना पार्ट ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट आया ये इस पावर की वजह से आया, मींस पावर का काम हो गया। अब क्या बचा, साइन, तो साइन का कितना होता है गाइस कॉस, और एंगल कभी चेंज नहीं होता, मतलब कितना आ जाएगा एक्स। बात समझ में आई दोनों, अंतर समझ में आया होगा आई थिंक दोनों में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, और यदि फिर भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट कर दें, मैं उसमें देखूंगा, और उसके बाद अगर मुझे लगेगा तो मैं और वीडियो इसके अपलोड कर दूंगा। क्लियर? चलिए अब मैं एक मल्टीप्लीकेशन और एक डिविजन का बताता हूं। देखिए मैंने यहां पर दो फंक्शन लिए, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड। फार्मूला क्या होता है बस ये आपको पता होना चाहिए, मैं एक बार रीड कर दूं इसको फिर आपको बताता हूं। फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड वाला एज इट इज फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। चलिए अब मैं इसका यूज करूंगा गाइज, यहां पर देखिएगा फर्स्ट वाला एज इट इज मतलब ये फर्स्ट हुआ और ये सेकेंड हुआ, तो देखिए फर्स्ट वाला एज इट इज कितना हुआ गाइज, e की पावर साइन एक्स, ये एज इट इज आ गया। सेकेंड का डिफरेंशिएशन अब यहां ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है गाइज, log, log का कितना होता है 1/, तो ये हो गया 1/ sec, देन log का हो गया, अब किसका करना पड़ेगा sec, sec का कितना होता है गाइस sec इंटू 10, एंगल कभी भी चेंज नहीं होता, मीन्स x और x। ये हुआ फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस अब आएगा गाइस सेकेंड एज इट इज मतलब log sec x एज इट इज,
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसको हम e की पावर साइन एक्स नहीं पढ़ेंगे गाइस, इसको पढ़ेंगे e की पावर, क्या पढ़ेंगे e की पावर, और e की पावर का होता है गाइस e की पावर मतलब पावर में यदि साइन है तो यहां भी क्या आ जाएगा साइन, ये जो कुछ भी आया इतना पार्ट ये सिर्फ e की पावर का आया, किसका आया गाइस e की पावर का। अब हम करेंगे साइन का, किसका करेंगे गाइस साइन का, तो साइन का कितना होता है कॉस, टी हो गया कॉस एक्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, sec से sec कैंसिल हो जाएगा, जो भी आएगा वो रिजल्ट आएगा, बट मैं रिजल्ट नहीं बता रहा हूं, मेरा इस वीडियो में सिर्फ मकसद ये है कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर एक्स, यहां लगेगा गाइस डिवीजन फार्मूला, मींस ऊपर अपॉन नीचे, ध्यान से देखिएगा नीचे वाला एज इट इज मतलब ए की पावर एक्स, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो साइन का कितना होगा कॉस, एंगल कभी भी चेंज नहीं होता, मीन्स एक्स स्क्वायर तो यहां भी एक्स स्क्वायर, देन ये जो भी आया ये साइन का आया, एक्स की पावर का हुआ क्या नहीं, कितना आएगा गाइस 2x माइनस ऊपर वाला एज इट इज मतलब साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ए की पावर का होता है गाइस ए की पावर, एंड नीचे वाले का स्क्वायर ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है गाइस। आई थिंक एंड आई होप आप सभी लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो, फिर भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है गाइस तो वो मुझे कमेंट सेशन में जरूर लिख दे, मैं उसे इंडिविजुअली देख के हो सकता है तो इंडिविजुअली भी सपोर्ट कर दूंगा, बट आप लोगों से फिर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। थैंक यू गाइस।